खबर भोपाल से है, जहां के पिपलानी इलाके में एक रिटायर फौजी ने भीड़ पर फायरिंग कर दी। छर्रे लगने से 7 लोग घायल हो गए। घायलों को हमीदिया अस्पताल पहुंचाया गया। टीआई पिपलानी अजय नायर ने बताया कि सोमवार शाम विवेकानंद कॉलोनी में रहने वाले रिटायर्ड फौजी प्रकाश चौधरी अपने बच्चों को साइकिल चलवा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार में स्कूल सवार दो लड़कियां पास से गुजरी। इसको लेकर प्रकाश से उनकी बहस हो गई। पास ही अर्जुन नगर की रहने वाली लड़कियां थी। वहीं लड़की के भाई ने बताया कि फौजी की बीवी घर से रॉड लेकर आई और लड़कियों को बेरहमी से मारने लगी। जैसे ही शिखा ने अपने परिजनों को फोन लगाया तो कुछ देर बाद ही वहां बड़ी संख्या में अर्जुन नगर से लोग पहुंच गए। भीड़ देख बीवी घर से बंदूक लेकर आई और प्रकाश ने लगातार 10 फायर कर दिए। इससे 7 से 8 लोगों को छर्रे लग गए। पुलिस का दावा यह है कि 5 लोग घायल हैं। रहवासी जानकी भी फायरिंग में घायल हो गई। उनका कहना है कि फायरिंग में 7 से 8 लोग घायल हो गए हैं। घटना को देखते हुए रहवासियों ने पिपलानी थाने में जमकर हंगामा किया। हम काम से निकल रहे थे, जो वहाँ पे लड़ाई देखे तो गए, वहाँ पता चला गोली चल रहा है। कौन चला रहा था गोली? उसके नाम तो हमें पता नहीं है। हम वहाँ से भागे इधर उधर। कितने लोग घायल? अब मेरे को लगा बहुत सारे लोग घायल।